वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 7 सेक्शन 1 ग्रिजली बियर ऑफ स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7, उसमें सेक्शन 1, इसका नाम है ग्रिजली बियर। ग्रिजली बियर यानी भूरा भालू। आज हम भूरे भालू के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू एवर 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 मीट अ ग्रिजली बियर, अगर आप कभी भी ग्रिजली बियर यानी भूरे भालू को मिलते हैं, यू मस्ट नेवर 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 आस्क हिम वेयर। तो आपको उसे कभी भी ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ है। वापिस एक बार ये दोनों लाइन। इफ यू एवर 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 मीट अ ग्रिजली बियर, अगर आप कभी भी ग्रिजली बियर से मिलते हैं, यानी भूरे भालू से मिलते हैं, यू मस्ट नेवर 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 आस्क हिम वेयर। तो आपको कभी भी उसको ये नहीं पूछना है कि वो कहाँ है। ही इज डूइंग, क्या कर रहा है, और व्हाट ही इज डूइंग, सॉरी ही इज गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, और व्हाट ही इज डूइंग, और वो क्या कर रहा है। इतना मैं वापस समझाती हूँ। अगर आप कभी भी एक भूरे भालू से मिलते हैं, तो आपको कभी भी उसको ये नहीं पूछना है कि वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, और क्या कर रहा है। फॉर इफ यू एवर एवर डेयर टू स्टॉप अ ग्रिजली बियर, अगर आप जो भूरा भालू है उसको हिम्मत करके रोकने की कोशिश करते हैं, यू विल नेवर मीट अनदर ग्रिजली बियर। तो आप कभी भी दूसरे कोई जो भूरा भालू है उसको नहीं मिल पाएंगे। वापिस एक बार ये दोनों लाइन। फॉर इफ यू एवर एवर डेयर टू स्टॉप अ ग्रिजली बियर, अगर आप हिम्मत करके जो भूरा भालू है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी दूसरे भूरे भालू को मिल पाएंगे नहीं। वापिस एक बार ये राइम्स में पूरी पोएम में समझाती हूँ। इफ यू एवर 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 मीट अ ग्रिजली बियर, अगर आप कभी भी एक भूरे भालू से मिलते हैं, यू मस्ट नेवर 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 आस्क हिम वेयर। आपको कभी भी उसे ये नहीं पूछना है कि वो कहाँ है। ही इज गोइंग, वो जा रहा है, और वॉट ही इज डूइंग, और वो क्या कर रहा है। आपको जब आप कभी भी एक भूरे भालू से मिलते हैं, तो आपको ये उसको कहाँ है, क्या कर रहा है, और कहाँ जा रहा है ये नहीं पूछना है। फॉर इफ यू एवर एवर डेयर टू स्टॉप अ ग्रिजली बियर, अगर आपने ऐसा किया, आपने उसको रोकने की कोशिश की, तो आप कभी भी कोई दूसरे भूरे भालू को देख नहीं पाएंगे। ओके, समझ में आया। वापस एक बार मैं समझा देती हूँ कि अगर आप कभी भी एक भूरे भालू से मिलते हैं, तो आपको कभी भी उसको नहीं पूछना है कि वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, और क्या कर रहा है। अगर आपने ऐसा किया, उसको हिम्मत करके उसको रोकने की कोशिश की, तो आपको वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। आप कभी भी दूसरे कोई भालू से मिल पाओगे नहीं। ओके, उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज में, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू वर्ड्स में है ग्रिजली यानी भूरा, डेयर यानी हिम्मत, एवर कभी भी। उसके बाद लर्निंग फॉर फन में है ए, यहाँ पे टिक किया है, टिक द करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यू होता है वो नहीं है। यहाँ पे हमें ऐसे मार्क करके या इसको इरेज करके यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे लिखना है राइट द करेक्ट आंसर। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लगा देना है पेंसिल से, और यहाँ पे लिखना है राइट द करेक्ट आंसर। ये गलती से आया हुआ है, ओके, गलती से प्रिंट किया है, तो हमें यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे लिखना है राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से पढ़ाऊंगी। ए, राइट द करेक्ट आंसर, आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर लिखने हैं।
What should we never do if we meet a grizzly bear? What should we never do if we meet a grizzly bear? अब हम कभी भी जो भूरा भालू है उसको मिलते हैं तो हमें क्या नहीं करना है? If we meet a grizzly bear, we should never ask where is he going. हमें कभी भी उसको नहीं पूछना है कि वो कहाँ जा रहा है. ओके उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, What would happen if we try to stop a grizzly bear? What would happen if we try to stop a grizzly bear? अगर आप जो भूरा भालू है उसको रोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? If we try to stop a grizzly bear, we will never meet another bear. अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी दूसरे भालू को मिल नहीं सकेंगे. उसके बाद क्वेश्चन थ्री, Can we meet another grizzly bear? Can we meet another grizzly bear? हम कभी भी दूसरे भालू को मिल सकेंगे. If we try to stop him, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे. We will not meet another grizzly bear. उसके बाद question number four, Make a list of rhyming word from the poem. हमें जो poem में rhyming word है वो लिखने हैं. तो ever, never, going, doing, there, bear. ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, हैव यू एवर सीन अ ग्रिजली बियर? अगर आपने कभी भी ग्रिजली बियर भूरा भालू देखा है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बियर यू हैव सीन. आपको क्या करना है? जो भूरा भालू आपने देखा है उसका पिक्चर ड्रॉ करना है. ओके उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हो लिसनिंग एंड स्पीकिंग. लिसनिंग एंड स्पीकिंग में ए स्पीकर लाउड, हमें लाउडली बोलना है. तो मैं पहले बोलूंगी उसके बाद आपको बोलना है. बियर, गेयर, डेयर, फियर. बियर, गियर, डियर, फियर. मीट, फिट, बीट, ग्रिट. मीट, फिट, बीट, ग्रिट. स्वीट, ट्वीट, फ्लिट, शिप. वापिस स्वीट, ट्वीट, फ्लिट, सिट. ओके क्या करना है? उसको लाउडली बोलना है. ओके बी में लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, से देयर नेम अलाउड, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम. इसमें क्या करना है? यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है और उसका नेम जो है उसको लाउडली बोलना है. और उसके बाद उस लेटर जो हमारा नेम है उसका फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे ब्लैंक है उसमें लिखना है. ये कौन सा पिक्चर, किसका पिक्चर है? कॉक. तो हम यहाँ पे लिखेंगे COCK कॉक. ये है ड्रम. तो हम यहाँ पे लिखेंगे DRUM ड्रम. ये है साइकिल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे CYCLE साइकिल. उसके बाद ये है पेन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे PEN पेन. ये है हाउस HOUSE हाउस. टेंट TENT टेंट. समझ में आया सबको? आज का वीडियो यहीं तक था. अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम.